हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आर की यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियो और जो है पिक को पोस्ट करता रहता हूँ। और इससे एक फायदा और आप लोगों का होगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम से संबंधित हमसे कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आंध्र प्रदेश की बड़ी भर्ती आई हुई फ्रेंड्स है, ये इस वर्ष की सबसे बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स है। इसमें पूरे टोटल 1,26,728 पोस्ट जो आए हुए हैं या एपी ग्राम सचिवालय के है जो पोस्ट जो आए हुए हैं, और इसका लास्ट डेट जो है वह 10 अगस्त 2019 का है। इसमें फ्रेंड्स है ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसमें और क्या इसमें है हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं वेबसाइट पर आ गया हूँ, आंध्र प्रदेश ग्राम सचिवालयम रिक्वायरमेंट 2019, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर यह जो है आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं हम लोग कुछ बेसिक जानकारी, क्या जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, 1,26,728 पोस्ट जो है आए हुए हैं फ्रेंड्स है। और देख लेते हैं हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया गया, कैटेगरी वाइज पोस्ट है, यानी यहाँ पर कई पोस्ट जो है सब अलग अलग जो है कैटेगरी के पोस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ पोस्ट का मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी का जो है 7,040 पोस्ट आया हुआ है। विलेज एरोनस ऑफिसर्स की जो कुछ पोस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, आप लोग कुछ पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं विलेजर फिनिशर असिस्टेंट के जो है 794 पोस्ट आया। विलेज हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की पोस्ट आया हुआ है 400 है। और यहाँ पर देख ले इंजीनियर असिस्टेंट की जो है आया हुआ है। तो ऐसे ही पोस्ट, काफ़ी सारी पोस्ट आए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पोस्ट आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ और कुछ देख लेते हैं हमको जानकारी क्या मिलती है यहाँ पर। अप्लाई मोड जो है वह ऑनलाइन अप्लाई मोड है, यहाँ पर लोग आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग हमारे यहीं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप लोग साइबर कैफे जाकर हैं ऑनलाइन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और देख लेते हैं यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से है कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, फिर या आप लोग हैं इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पे स्किल की, यानी कि अगर वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हैं यहाँ पर जो आप लोगों को वेतन मिलने वाला है वह 21,700 रुपये से लेकर है 69,000 रुपये है पर मंथ दिया जा रहा है। और अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो अप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 200 रुपये है दिया जा रहा है। और जो है STSC के लिए भी 200 रुपये आप लोगों को लगेंगे। और लोकल कैंडिडेट फॉर आंध्र प्रदेश, यानी कि जो लोग आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित होंगे उनका मात्र 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। इसके अलावा आप किसी भी राज्य से होंगे हैं आप लोगों को 200 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो ऑनलाइन कराएंगे हैं उसका फ़ीस आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है हम लोगों को। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है, देख लीजिए आप लोग हैं यहाँ पर केवल 18 से जो 42 जितने भी छात्र छात्राएं 18 से 42 वर्ष के बीच आते हैं वे लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की छूट भी दी जा रही हैं, जैसे ST SC के लिए 5 वर्ष का और OBC के लिए जो है यहाँ पर 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देकर आप लोग हैं इस एग्जाम में हैं क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं क्या जानकारी मिलती है यहाँ पर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10+2 के जो जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वह इस फॉर्म के लिए आवेदन के लिए है सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हैं कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कुछ है, तो यहाँ पर हम लोग आकर हैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लिख सकते हैं आप सभी लोग हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑफ अप्लीकेशन, यानी आप लोग फॉर्म भरने की जो यहाँ पर डेट दी गई हैं ये 27 जुलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 27 जुलाई से फॉर्म जो है भरना शुरू हो गया। और यह फॉर्म कब तक भरा जाएगा तो यह 10 अगस्त तक फॉर्म भरने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट है फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम डेट, एग्जाम डेट अभी दिया नहीं गया है लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन इसका भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस नोटिफिकेशन आए आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए और देख लेते हैं क्या जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं, जैसे कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप लोग इस क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ
आप लोग चाहें तो नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करने के लिए है, यहाँ पर रूलर और उर्बिन नाम के जो हैं दो यहाँ पर दिए गए हैं नोटिफिकेशन हैं, आप लोग है दोनों से आप लोग क्लिक करके है अपना जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी जानकारी के लिए अन्य हैं आप लोग है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर है यहाँ पर क्लिक हियर करके है आप लोग है जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।